हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हंगामे के आरोप में शिरोमणि अकाली दल के 9 विधायकों के खिलाफ FIR दर्ज हो गई है। इन विधायकों ने कृषि कानूनों को लेकर खट्टर के खिलाफ नारेबाजी की थी, CM को काले झंडे दिखाए थे। तारीख 10 मार्च 2021। बीते 10 मार्च को हरियाणा के CM मनोहर लाल खट्टर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हंगामा करना अकाली दल विधायकों को महंगा पड़ गया है। हरियाणा सरकार ने इस मामले में शिरोमणि अकाली दल विधायक विक्रम मजीठिया समेत पार्टी के 9 विधायकों के खिलाफ FIR दर्ज करा दी है। 10 मार्च को हरियाणा विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव गिरने के बाद मुख्यमंत्री ने मीडिया को संबोधित किया था, लेकिन उसी दौरान अकाली दल के विधायक कृषि कानूनों के विरोध में नारेबाजी करने लगे थे। हरियाणा सरकार ने कहा था कि अकाली दल के विधायकों का ऐसा करना एकदम गलत है। इस मामले को लेकर हाल ही में हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने पंजाब विधानसभा अध्यक्ष राणा KP सिंह के सामने आपत्ति जताई थी। उन्होंने हरियाणा के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की थी और मामले में उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए थे। विधायकों पर FIR के हरियाणा सरकार के फैसले की अकाली दल ने निंदा की है, तो कांग्रेस ने भी इसका विरोध किया है। मनोहर लाल खट्टर जी ने आज मैं डिमांड करता हूं, साडे ते जेडी मर्जी धारा ला दें, मगर सब तो पहला उन्हां ते 307 दी धारा लगनी चाहिदी। उन्हां ते पंजाब दे पंजाबी नौजवान, पंजाब दे किसान दीआं पग्गां लवा के उन्होंने जलील करने की उन्होंने खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मैंने वीडियो देखी है, चाहे वो सरदार विक्रम सिंह मजीठिया, चाहे वो शिरोमणि अकाली दल के हैं, लेकिन मैंने जो क्लिपिंग टेलीविजन के ऊपर देखी, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि खट्टर साहब के ऊपर कोई अटैक किया जा रहा है। विरोध करना तो सभी लोगों का हक है, लेकिन ये जो केस रजिस्टर करवाया, मैं अभी FIR मैंने नहीं पढ़ी है, लेकिन मैं इसके हक में नहीं हूँ। FIR लॉज हो गई है 9 विधायकों के खिलाफ और उसके अलावा जो अन्य लोग थे उनके खिलाफ FIR हुई है। ये 4 धाराओं के अंदर केस दर्ज किया गया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि न्याय मिलेगा। शुक्रवार को इस मामले में हरियाणा विधानसभा के स्पीकर ने एक सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, जिसमें कहा गया था कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से बसलों की पंजाब के विधायकों की पूर्व नियोजित साजिश का हिस्सा थी। विशाल अंग्रीश, चंडीगढ़, News 24।